मैं हूं खरबंदा। मेरी शक्ल देखकर तो आप लोग ऐसे सुन हो गए हैं जैसे मेरे मैयत निकलने वाली है। वैसे कसूर आपका नहीं है, वो बाहर एक बच्चा मिल गया और कहने लगा, अंकल अंकल आपने मुझे पहचाना? नहीं, मैं जू में मिला था, आपके पिंजरे में मूंगफली भी डाली थी। हट, हट। अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बेटी है बबली, उसको होमवर्क मिला कि भालू की शक्ल बना के लाना, अगले दिन पट्टी मेरी फोटो उठा के लेके। हमारे घर का भालू यही है। अब मैं क्या बताऊं सुनील जी, जब मैं पैदा हुआ मेरे बाप ने हिंजरों को 1,000 रुपए दिए। हिंजरों ने 1,000 मेरे बाप के मुंह पे मारे, बोले हाय हाय ऐसी गंदी शक्ल वालों के हम पैसे नहीं दिया करते। मैं जब छोटा था तो किसी की अच्छी सी कोठी बन रही हो मुझे वहां बिठा देते थे और शाम को 50 रुपए भी मिलते थे। वो कहते थे यार तू पूरा दिन बैठा रहेगा, हमारी कोठी पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी। अब सर बताइए कोई जिंदगी है? मेरे मल्ले में किसी को कब्ज होती है वो मुझे देख लेता है और काम तमाम हो जाता है। और मुझे तो बकायदा ये अभी कॉन्फिडेंस हो गया है कि पेट साफ करने वाली जो कंपनी है जल्दी मुझे एज एन मॉडल लेने वाली है। लोग गोली खाने से पहले मेरी शक्ल देखेंगे और मिनटों में काम हो जाएगा। अगर किसी ने मेरे इस हसीन चेहरे की कीमत लगाई है तो वो है मेरी बीवी। रोज सुबह उठते कहते हैं चलो जी जाके बालकनी में खड़े हो जाओ, मैं कहता हूं क्यों? कहती है ताकि पड़ोसों की नजर तुम पर पड़े। कहते हैं सुबह सुबह मनहूस का चेहरा देख लो पूरा दिन खराब जाता है। मैं बाजार से गुजरता हूं, औरतें अपने शोहर को धमका रही होती हैं, ओए सुधर जा कुत्ते की औलाद, नहीं तो देख एक दिन तेरी भी ऐसी हालत कर दूंगा। आज जब मैंने स्टूडियो में एंट्री की है सिक्योरिटी गार्ड ने देखते ही मुझे नौकरी से रिजाइन कर दिया, बोला यार ऐसी गंदी शक्ल वालों को सैल्यूट मारने से अच्छा मैं नौकरी नहीं करता। जो सबसे अच्छी बात लगी है मेरे और वो ये कि जैसी उपासना सिंह ने मुझे देखा है एकदम अपनी सीट से खड़ी हो गई, कहने लगी है पहले इस गंदी शक्ल वाले को बाहर निकालो तब जजमेंट करो। और हमारे सुनील पाल जी ये तो मुझे देख के ही चौंके हैं, अबे रतन नूरा का बाप यहां कैसे आ गया? और फिर एकदम मुझे गले से सबसे पहले इन्होंने मुझे लगाया और कहने लगा यार तेरे बेटे की मैंने बहुत पी है। और जब इस प्रोग्राम का ऑडिशन हो रहा था तो मुझे देखते ही कहा यार तेरी तो शक्ल देख के ही हमारी हंसी निकल रही है, तू तो कुछ मत कर लोग तुझे देखना अपने आप ही रोना शुरू कर देंगे। अब बताओ सर ये कोई जिंदगी है? लेकिन अगर आप हंस सकते हैं मुझे बिना बोले देखते हुए ही तो भी बोलने की जरूरत क्या है, वैसे एंजॉय कर लो। ई गंदी शक्ल के कौन अच्छा कमेंट दे बे? मेरे हिसाब से भैया ये खरबंदा नहीं, ये खरा बंदा है। आप सचमुच एक सीरियस कॉमेडियन है, सच्चे कॉमेडियन है जो दुनिया को अपने पर बातें करके हंसाते हैं। असल में आप उतने बसूरत नहीं है जितने आप बताते हैं, हंसाने वाला तो वैसे ही दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड खरबंदा, वेरी गुड खरबंदा जी, तुसी कमाल कर देता, बहुत अच्छा परफॉर्म किया।